ऑडियो म्यूट कर दीजिए, जरा सा बनिए, अपने पास नेक्स्ट क्लास भी आएगी। तो पास्तरीकरण की जो आवश्यकता है वो पूर्ण की जाती है। पास्तरीकरण का मतलब है उपयुक्त तकनीकी के माध्यम से उनको हम शुद्ध करेंगे, ऐसे कंटेनर उसमें मिलाएंगे कि लंबे समय तक वो प्रिजर्व रह सके, संरक्षित रह सके, लंबे समय तक क्या रह सके, संरक्षित रह सके। अब आपकी बात आती है कि यह जो कृषि है, डेयरी जो आपकी कृषि है, विश्व के कौन कौन से भागों में की जाती है? डेयरी कृषि विश्व के कौन कौन से भागों में की जाती है? तो आपके विश्व के तीन भागों में यह कृषि की जाती है। पहली बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, देखो यूरोप जो है उसका पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग है वो सबसे विकसित प्रदेश है। वहां देखो लगभग जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां है वो संचालित होती है। तो आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप पहला क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। मैप में दर्शाने की आवश्यकता है क्या? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ठीक है। दूसरा क्षेत्र है कनाडा, दूसरा क्षेत्र क्या है? कनाडा। देखो कनाडा जो है, कनाडा के कौन सा भाग? कनाडा का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी भाग है। जो कनाडा का एक तो कौन सा आपके, एक तो दक्षिणी पूर्वी भाग, एक कौन सा ये पश्चिमी भाग। ये क्या है, कनाडा का क्षेत्र जो है स्टेपीज घास का मैदान है, ठीक है, कनाडा और ये वाला स्टेपीज घास का मैदान है। तो यहाँ पर भी आपके इस डेयरी फार्मिंग कृषि को किया जाता है, साथ ही ये औद्योगिक क्षेत्र है तो यहाँ पर भी डेयरी फार्मिंग को किया जाता है। तो एक तो कौन सा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और दूसरा कौन सा है कनाडा, और तीसरा जो तीसरा बिंदु है वह है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। लोकेशन देखना तीनों की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। देखो देखो ये आपका न्यूजीलैंड का भाग गया, ये तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है बेटा? दक्षिणी भाग। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग, न्यूजीलैंड का भाग और तस्मानिया। तीन चीज बने हुए से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। ये तो ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है और ये क्या है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया में आपकी डेयरी फार्मिंग कृषि की जाती है या डेयरी कृषि की जाती है। तो एक बार रिपीट करो क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग, ऑस्ट्रेलिया कौन सा भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। ये बिल्कुल ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी भाग के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है ना दक्षिणी पूर्वी भाग, इस भाग का नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है बेटा? न्यू साउथ वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई विकसित भाग है तो वो कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स है। कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग सबसे ज्यादा विकसित है? तो न्यू साउथ वेल्स है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बड़े नगर है वो इसी में है। कौन से में है? न्यू साउथ वेल्स में। इसके अलावा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा देखें डेनमार्क भी है, उत्तरी पश्चिमी में कौन सा है? डेनमार्क है, डेनमार्क है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, वो है आपके उत्तर पश्चिम यूरोप में। और यहाँ देखें तो न्यूजीलैंड और तस्मानिया, ये आपके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। तो बेटा हमने दोनों कृषियां आज पूरी कर ली है, दो कृषि हो गई आज, समझ में आ गया? दो कृषियां, एक तो कौन सी, एक तो हमने आज पढ़ी है मिश्रित कृषि, और दूसरी कौन सी पढ़ी है? दूसरी कृषि अपनी डेयरी फार्मिंग। दोनों से रिलेटेड प्रश्न है आपको सोल्व करने, दोनों से रिलेटेड। और कोई प्रश्न पूछना है बेटा? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, ये प्रदीप सिंह बोल रहा है कि नोट्स किसमें भेजोगे? नोट्स बेटा ईआरपी पे भेजूंगा, ईआरपी पे, ठीक है सर। ईआरपी चेक करना, ईआरपी पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सर।